इस मॉर्निंग तो मॉर्निंग हो चुकी है मेरी और अभी मैं जा रही हूँ डिपार्टमेंट। आज मैं लेट तो नहीं हूँ क्योंकि आज मैं जल्दी तैयार हो गई हूँ क्योंकि डिपार्टमेंट से मुझे जाना है शूट पे। अभी जाके मैं पानी भरती हूँ और नीचे जाती हूँ क्योंकि लुबना मेरा वेट कर रही होगी। लग रहा है कि मैं नींद में नहीं हूँ। मैंने नहीं किया हुआ नाश्ता यार, जल्दी में थी और चाय पिया मैंने ज़रूर। चाय तो मस्त है, चाय के बगैर सुबह नहीं होती है हमारी। और इसने पिए कि नहीं ये मुझे नहीं पता। नहीं पी मैंने। अच्छा हुआ। मुश्किल से याद लग गई। हमारी दोस्त ऊपर मैसेजेस आ रहे हैं कि जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ, हम लेट हैं। तो अब हम जा रहे हैं, देखते हैं क्या सीन होता है। सकते हैं सब लोग क्लास से बाहर खड़े हैं क्योंकि सब लोग लेट थे और सब लोग बाहर खड़े हैं और हम बाहर तो बनता है क्योंकि आते हुए मेरा थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था, बाइक से टकरा गई थी मैं और मेरा ये पूरा शोल्डर हिल गया एकदम से। बहुत ज़्यादा दर्द है लेकिन अभी कुछ हो नहीं सकता, क्लासेस लेनी है और फिर मेरा एक शूट है तो वहाँ पे भी जाना है। पता नहीं अब ऑफ मिलता है या नहीं मिलता। हाँ नहीं लग रही। आप लोग इसमें डुबकी लगा दो, तैयार हो? यस, 1 2 3 गो। नहीं नहीं कैसी फीलिंग्स आ रही हैं? गंदी। बहुत अच्छा मौसम है यार, इतना अच्छा मौसम है। बिस्ती तो हो रही है। बिस्ती रोज होती है, कोई नई बात थोड़ी है। बंद गेट भी बुखा ना फिर। नहीं ऑन नो रहन दो। ये हमारे दोस्त अहबाब हैं और ये हमारी क्या हो रही है, गजब बेइज्जती हो रही है। हम रोड पे खड़े हैं डिपार्टमेंट से क्योंकि हमें मैम ने डिपार्टमेंट से बाहर निकाल दी क्योंकि हम रोज लेट होते थे रोज। तो आप देख सकते हैं सब लोग बहुत दिन से तबाही हो रही है। बच्चे वापस जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमें अंदर नहीं घुसने दिया तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था कि हम वापस जाएं, लेकिन मैंने यहाँ से जाना है शूट पे तो मैं वहाँ जाऊँगा। था कि कोई 1-2 घंटे में शूट कंप्लीट हो जाएगा लेकिन नहीं हुआ। मुझे कोई 4 बज गए हैं सुबह 10 बजे से लेके और मुझे बहुत भूख लगी थी तो कुछ खाने को नहीं मिला तो मैं यहाँ पर आई हूँ शेक पीने के लिए। निकलते ही यहाँ पर बहुत तेज़ किस्म की बारिश स्टार्ट हो गई हुई है। माशाल्लाह कुदरत के नज़ारे देखे, सूरज है और बारिश। रश है यहाँ पे और मैंने भी बैंड ले लिया है, आपको मैं दिखाती हूँ मेरा हाथ। और अभी हम इससे कोई भी झूला ले सकते हैं जो आइलैंड के अंदर। यहाँ पे चक्कर जा रहे हैं और मुझे पता है आवाज़ बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही होगी क्योंकि बहुत रश होता जा रहा है, टाइम गुजरता जा रहा है, रश होता जा रहा है। तो अभी मैं जा रही हूँ तो किसी और झूले पर, एक झूला हमने ले लिया वहाँ, मुझे कोई ख़ास मज़ा नहीं आया, मैं नहीं आ रहा इस झूले पर बिल्कुल डर बिल्कुल। लेकिन ये लोग पागलों की तरह शोर मचा रहे हैं लेकिन शोर मचाने का अपना ही मज़ा है। और हम वेट कर रहे हैं अभी कि कब हमारी बारी आए। वैसे बहुत मुश्किल है क्योंकि लाइन बहुत लंबी लगी है, से लाइन में लगी हुई है और अभी अभी हमारी जगह आ रही है और इसके बाद जो आएगी वो बारी हमारी। बैठ चुके हैं, फाइनली हमारी बारी आ चुकी है और अभी हमारी चीखे मारने की वो क्या होता है, आवाज़ हुआ जाता है और हम नहीं मारेंगे चीखे। झूला स्टार्ट होने लगा है तो मैंने सोचा जब तक ये स्टार्ट होता है तब तक मैं वीडियो बना लूं। और ये देखिए हमारा झूला, ये जब बिल्कुल ऊपर जाते हैं ना बंदा उलटने लगते हैं ना तब डर लगता है थोड़ा थोड़ा, वरना बिल्कुल नहीं। अभी तो ये चलना भी स्टार्ट नहीं हुआ और सबकी चीखें अभी से। वैसे मुझे पता है यहाँ हमारे साथ होने वाला है मजाक, कोई खास नहीं है ये, पहले मैं गई हुई हूँ बहुत बार बार। हाय अप्पू जी, ज़्यादा मुझे डर लग रहा है, मेरी चेहरे से साफ पता चल रहा है। लेकिन अभी मैं लूँगा, ये मैंने टैटू भी बनवाया है यहाँ पे और ये परमानेंट नहीं है तो इससे नमाज हो सकती है तो इसलिए मैंने बनाया है। झूले पे जाने लगी थी बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दोस्त ने मुझे रोक लिया, वरना मेरी तो वाकई जान निकल जाती डिस्कवरी के बाद से, तो बस हो गई है मेरी बहुत। लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है। ओ भाई साहब, इतना घूमे हमने, कोई झूला नहीं छोड़ा और हमने इतनी बार झूले लिए। अब बहुत भूख लगी थी तो हम कुछ खाने के लिए आए हैं। हाँ पूछो, चलो
तभी यहाँ पे हम कुछ खाने के लिए आए हैं, क्योंकि सुबह के नाश्ते पे हमें बहुत भूख लग रही है। इतना थक हार के मैं आई थी और आते ही बस खाना खाया और सो गई थी, और अभी भी देख सकते हैं आप बिल्कुल नींद भरी है मेरी आंखों में, वो हमेशा का ये कॉन्स्टेंट है, ठीक है। और जिस तरह माज भाई के ब्लॉग में नाश्ता कॉन्स्टेंट है ना, वो मेरा नींद कॉन्स्टेंट है। तो आप सोच लें जब भी मैं ब्लॉग ऐसे बनाने के लिए फ़ोन निकालूंगी नींद आई होगी मुझे। तो अभी मैं आई हूँ डिपार्टमेंट, तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि कल हम वापस गए थे बिस्ती खा के। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस ब्लॉग को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और बहुत सारा प्यार दिखाना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।